ये है कम बजट में 160 सीसी की पावरफुल बाइक 2023 की बजाज पल्सर NS 160 ABS ग्रे कलर में। इसके फीचर्स क्या हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितनी है, और NS 125 NS 160 200 की डिटेल में ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले आप इसके फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा बजाज का लोगो दिखेगा, ऊपर में ड्यूअल टोन फिनिश का वाइजर और नीचे में मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाइट के साथ दो छोटे से हेलोजन पायलट लैंप भी आपको देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर भी आपको हेलोजन के मिल जाते हैं। साइड में आपको ब्लैक और ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है। अगर आपको प्रोजेक्टर वाली रोशनी चाहिए तो फिर आप N160 को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश टाइप के सस्पेंशन, इसका मडगार्ड आपको प्लास्टिक का मिलता है, 260 mm की डिस्क मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ, और 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 17 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ। इंजन की तरफ चलते हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको किक स्टार्ट मिलता है और DTSI ट्विन स्पार्क वाला इंजन। यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर 177 mm की यहाँ पर आपको हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि अन्य बाइक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ऑयल कूल्ड का सिस्टम मिलता है रेडिएटर के साथ। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है 160.3 सीसी का ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 4 वाल वाला DTSI ट्विन स्पार्क वाला इंजन। ये इंजन 17.2 PS की पावर देता है 9000 RPM पर और 14.6 Nm का टॉर्क पैदा करता है 7250 RPM पर। इसमें जो पावर है वो आपको N160 से 1.2 की ज़्यादा मिलती है। ये NS200 है और इसका जो रेडिएटर कूलिंग सिस्टम है वो आपको लिक्विड कूल्ड के साथ मिलता है। इसमें आपको 4 वाल्व और 6-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। अगर इसके फ्यूल टैंक के काउल के नीचे में देखेंगे 160 का यहाँ पर ग्राफिक्स है। बाकी ये जो पेट्रोल टैंक है वो पूरा का पूरा आपको प्लास्टिक का मिलता है, पल्सर का 3D में लोगो, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है, नीचे में फ्यूल इंजेक्शन का लोगो है। स्प्लिट यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है काफ़ी अच्छी कुशन और फॉर्म के मटेरियल के साथ। अगर आप इसके सीट काउल के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर NS 160 का स्टिकर है जिसमें 3-टोन कलर को शामिल किया गया है। 805 mm की सीट हाइट मिलती है जो N160 से 10 mm ज़्यादा है। ये इसका ब्लैक कलर का चेसिस है जो थोड़ा बाहर और थोड़ा अंदर है। यहाँ पर ब्रेक पैड एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिलता है और इसके साथ ही रियर में आपको मिलता है नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप, जो इस बाइक की राइड क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। पीछे में छोटा सा मड फ्लैप मिल जाता है, साथ में आपको टायर हगर का सेटअप भी मिलता है, 230 mm की डिस्क मिलती है, पीछे में ABS नहीं दिया है। बाकी ये जो पूरा पार्ट है वो आपको थोड़ा थोड़ा खाली लगेगा क्योंकि नीचे में आपको अंडरवैली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक के एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहले मैं इंजन को यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसमें आपको मिलता है 40 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज और क्लिप ऑन वार टाइप की स्पोर्टी हैंडल बार मिलती है। सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है NS200 वाला ही, ऊपर में RPM की लाइट, ओडोमीटर ट्रिप मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है और साथ में आपको मिलता है सर्विस रिमाइंडर। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और साथ में आपको जो DTE और साथ में आपको गियर शिफ्ट वाले फीचर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, अगर कंपनी इसमें देती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में आपको कुछ इंडिकेशन की लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जो ज़रूरत के हिसाब से इसमें दी गई हैं दोस्तों। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 127 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हाईएस्ट जाती है। यहाँ पर आपको जो स्विचेस हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ मिलते हैं। इसमें आपको टॉर्क ऑन डिमांड नहीं मिलता है, यहाँ पर इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया है। इस बाइक के कर्व वेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है 151 kg का कर्व वेट और रियर में आपको मिलता है 120-80-17 का ट्यूबलेस टायर, जबकि N160 में आपको मिलता है 130 mm का टायर। रियर में आपको मिलते हैं 2 स्प्लिट टाइप के ग्रैब हैंडल LED। यहाँ पर आपको टेललाइट का सेटअप मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है एक टेम्परेरी लेडी पिलियन के कंफर्ट के लिए साड़ी गार्ड और नीचे में कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिल जाता है। यहाँ से आप इसके टायर के प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं। इस बाइक में आपको मिलता है 5-स्पीड गियर बॉक्स, 5 गियर इसमें आपको मिलते हैं, जबकि NS200 में आपको 6 गियर मिलते हैं 4 वाल्व इंजन के साथ।
साइड स्टैंड इंजन कटअप का सेंसर फीचर्स मिलता है। अगर हम पावर फिगर की बात करें तो पल्सर N160 अपाचे 162 भी दोनों ही बाइक में आपको 16 पीएस की पावर मिलती है, लेकिन इस बाइक में 17.2 पीएस की पावर और अपाचे 164 भी में आपको मिलती है 16.6 पीएस की पावर, जो इससे 0.4 की ज़्यादा है। तो प्राइस की बात करें तो NS160 की एक्सोरूम कीमत है 1,26,447 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,56,080 रुपये और ये है बजाज पल्सर NS125 और इसकी एक्सोरूम कीमत है 1,05,811 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,27,773 रुपये और बजाज पल्सर NS200 की ऑन रोड कीमत है 1,72,696 रुपये और बजाज पल्सर RS200 की ऑन रोड कीमत है 2,10,900 रुपये। रोल्टा बजाज मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।